हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं अमर गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो प्रीवियसली हम लोगों ने जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में देखी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग क्या, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन दैट इज थ्योरी ऑफ बेंडिंग का डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन होता है डेरिवेशन का जो पार्ट होता है इसका, दैट इज डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। ओके, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बीच में मैं आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा। डेरिवेशन के दौरान बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोग को वीडियो बहुत ही आराम से और बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही फोकस के साथ एंड तक देखना है, ताकि आपको मैं जितने कंसेप्ट बताऊँ वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, ये जो टॉपिक होता है गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिसका आगे जा करके हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलता है। कंबाइन लोडिंग के केस में, ठीक है, स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस को समझने के केसेस में आप लोगों को हेल्प मिलेगी अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्योर बेंडिंग क्या होता है। ओके, प्योर बेंडिंग का मतलब होता है अगर आप किसी भी कंपोनेंट को बेंड कर रहे हो, उस दौरान उस कंपोनेंट में किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स नहीं है, शेयर स्ट्रेसेस नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये जो बेंडिंग है वो प्योर बेंडिंग है। ओके, सो इफ शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम, और यू कैन से द मेंबर, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है, और मेंबर इज जीरो, ओके, व्हाइल बेंडिंग देन इट इज नोन एज प्योर बेंडिंग। ओके, तो बेंडिंग करने के दौरान अगर किसी भी सेक्शन पे आपको शेयर फोर्स नहीं मिल रहा है, शेयर फोर्स जीरो है अगर उस बीम में और बेंडिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में उस बेंडिंग को हम लोग प्योर बेंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेट बीम एक्सेट्रा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ इस स्ट्रेट बीम पे मैं इस तरीके का मोमेंट अप्लाई कर दिया एक्सटर्नली, इस पे मैंने मोमेंट लोड यहां पर अप्लाई कर दिया। नाउ अब ये बैंड होगा कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड पे कैसा है, लेफ्ट एंड पे क्लॉकवाइज मोमेंट है, राइट एंड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये आपको क्या देगा, ये सैगिंग देगा, सैगिंग और हॉगिंग हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो सैगिंग देगा, तो इस तरीके का शेप हो जाएगा बीम का, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बैंडिंग हो गई। नाउ किसी भी सेक्शन पे अगर आप लोग एनालाइज करो कि बीम में किस तरह के रिजिस्टिंग फोर्सेस क्रिएट हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक सेक्शन काट लीजिए, मैंने यहाँ सेक्शन काट दिया, सेक्शन XX। नाउ इस सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ मोमेंट अप्लाई किया गया है M, ओके, और इस सेक्शन पे रेजिस्टिंग मोमेंट आ रहा है यहाँ पर MR इज द रेजिस्टिंग मोमेंट। नाउ क्योंकि बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब समेशन ऑफ M शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, रेजिस्टिंग मोमेंट M इज इक्वल टू अप्लाइड मोमेंट M, ओके। नाउ आप देख सकते हो इसमें कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है, ना ही कोई UDL लगा है, ना ही कोई पॉइंट लोड लगा है, तो इस सेक्शन पे अगर आप लोग वर्टिकल फोर्स निकालना चाहो, एंड दिस वर्टिकल फोर्स विल बी टेंजेंशियल टू दिस सरफेस, ये जो सेक्शन काटा आपने XX सेक्शन, आप समझ सकते हैं यहाँ से जो फोर्स मिल रहा होगा वो इस प्लेन पे टेंजेंशियली एक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द शेयर फोर्स VX, दैट इज द शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वर्टिकली कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ FY इक्वल टू जीरो लगा करके, वाई डायरेक्शन एंड की वर्टिकल डायरेक्शन में बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो वी एक्स प्लस जीरो, कोई भी फोर्सेस नहीं, विल बी इक्वल टू जीरो, डेफिनेटली वी एक्स इक्वल टू जीरो, कोई भी शेयर फोर्स नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब बीम के किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स आप लोग को नहीं मिल रहा हो, शेयर फोर्स जीरो हो, तो उस कंडीशन में उस बैंडिंग को हम लोग प्योर बैंडिंग करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पूरी बीम में प्योर बैंडिंग हो रही हो, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे प्योर बैंडिंग हो रही हो। प्योर बैंडिंग में बस ये होना चाहिए कि जिस सेक्शन को या जिस बीम को हम लोग प्योर बैंडिंग में है ऐसा कह रहे हैं, उस बीम पे या उस पोर्शन ऑफ बीम पे, उन लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे
कहीं भी आप लोग सेक्शन काटो तो हर जगह शेयर फोर्स क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, ओके। सो उस कंडीशन में उसको हम लोग प्योर बेंडिंग कहते हैं। नाउ जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग है, द थ्योरी ऑफ जो बेंडिंग जिसको हम कहते हैं, दैट इज बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज डिराइव्ड फॉर कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग। दैट्स व्हाई प्योर बेंडिंग को समझना बहुत जरूरी है, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस सी द थ्योरी ऑफ बेंडिंग, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। सो थ्योरी ऑफ बेंडिंग में जनरली हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, आपको याद रखना है, वी आर डीलिंग विथ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, ओके। शेयर फोर्स एट एनी लोकेशन वी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, इस कंसेप्ट के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। नाउ जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग है इसके सर्टन एजम्पशंस हैं, ओके। अब एजम्पशंस को डिस्कस करना जरूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि एजम्पशन ही तो है ये सोच के हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, समझते नहीं है उसको, जबकि एजम्पशन से हमको बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअली सीखने को मिलता है, हमको पता चलता है कि कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जो एजम्पशन है, ये जो बेंडिंग हम लोग इक्वेशन देखने वाले हैं, ये इक्वेशन सब फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बीम के लिए, ठीक है। कर्व बीम जो हम लोग, मैंने आपको बताया था बेंडिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब बेंडिंग हम लोग स्टार्ट किया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेंडिंग आप लोगों का क्या होता है, आप लोग स्ट्रेट बीम को भी बैंड कर सकते हो या फिर ऑलरेडी जो बीम कर्व शेप में उसको भी बैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग इक्वेशन होते हैं आपके पास, कर्व बीम की बेंडिंग के लिए अलग इक्वेशन होते हैं, अलग डेरिवेशन होता है। ये जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रेट बीम। सो पहला assumption, assumption नंबर वन, दैट बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, ओके, इनिशियली स्ट्रेट है। जो बीम का मटेरियल है दैट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ओके। नाउ जो बीम है, थर्ड एजम्पशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। थर्ड एजम्पशन ये है कि जो बीम का मटेरियल है दैट इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ, ओके। द मटेरियल ऑफ बीम ओबेज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ वैलिड। नाउ जब हम लोग इस पे आते हैं, दैट इज मटेरियल ऑफ बीम ओबेज हुक्स लॉ, जब ये पॉइंट मैं बोलता हूँ तो इससे बहुत सी चीज़ें पैरेलली आ जाती हैं। पैरेलली क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, देखिए जब हम लोग हुक्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, आप हुक्स लॉ के वीडियो जो मेरा है वो जाकर के देख सकते हैं। हुक्स लॉ में हम लोग मानते हैं कि जो टेम्परेचर है कंपोनेंट का, दैट इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द लोडिंग, ओके। तो कुछ कुछ जो एजम्पशन है वो यहाँ पर हम लोगों को रिकॉल कर लेने चाहिए कि जो टेम्परेचर है वाई लोडिंग इज कॉन्स्टेंट, टी दैट इज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जब मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे मटेरियल को कहते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल, यानी कि जो बीम का मटेरियल है, मटेरियल ऑफ बीम इज लीनियर इलास्टिक सॉलिड, ओके, लीनियर इलास्टिक सॉलिड है, ठीक है, टी कांस्टेंट हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग हुक्स लॉ के दौरान, हुक्स लॉ के दौरान कहते हैं कि देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ओके, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन यानी कि क्या होता है, अगर आपका बीम या कोई भी कंपोनेंट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर इरेगुलरिटी हो, तो एरिया कम होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आप लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर एरिया सबसे मिनिमम होगा वहां पर स्ट्रेसेस की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस के फॉर्मूला से जानते हैं स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया अगर कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्ट्रेसेस की वैल्यू बढ़ जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो हम मान रहे हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो उसको हाईली फिनिश्ड है, उसका सरफेस एकदम परफेक्ट है, उसमें कहीं भी कोई इरेगुलरिटी नहीं है, दैट्स वाई किसी भी लोकेशन पे जो स्ट्रेस है वो कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कहीं लोकेशन पे ज्यादा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ ये चीज हो गई, मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक हम लोग ले चुके, तो दो ये इंपॉर्टेंट चीजें, टेम्परेचर कांस्टेंट है और कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है, मटेरियल जो है लीनियर इलास्टिक है, ये चीजें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ हुक्स लॉ, वो ये कि मटेरियल का जो सेल्फ वेट है, ठीक है, जो भी बीम की हम लोग एनालिसिस करेंगे उसमें उस दौरान हम लोग उसके सेल्फ वेट को कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो सेल्फ वेट, सेल्फ वेट
ऑफ कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया कि शेयर फोर्स मैं निकालना चाहूं, दैट इज द वर्टिकल फोर्स एट एनी सेक्शन, तो मुझे जीरो मिल रहा है। तो ये मुझे जीरो क्यों मिल रहा है, ये मुझे जीरो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने जो ये एक्स डिस्टेंस तक का बीम लिया है, सेक्शन ऑफ द बीम लिया है, पोर्शन ऑफ द बीम लिया है, इसका कोई भी मैंने वेट यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया, यानी कि मैंने वेट को कंसिडर ही नहीं किया। अगर मैं इस वेट को कंसिडर करूंगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, यहां पर इस एक्स डिस्टेंस का लेट अस से वेट है डब्ल्यू एक्स, तो इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल जीरो की इक्वेशन में ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आप लोग का वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो। सो वी एक्स दैट इज शेयर फोर्स एट एनी लोकेशन, शेयर फोर्स एट एनी लोकेशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बीम अप टू दैट सेक्शन। डब्ल्यू एक्स इज वॉट, वेट ऑफ द बीम, वेट ऑफ द बीम अप टू x डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लोड तो नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन उसका खुद का वेट तो है। तो अगर खुद का वेट अगर आप कंसिडर कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कभी भी आप लोगों को प्योर बेंडिंग नहीं मिलेगी। तो प्योर बेंडिंग की कंडीशन हम लोग को बेसिकली कब मिलती है, यहाँ से एक पॉइंट आया आप लोग के लिए, आप नोट कर सकते हो कॉपी में, कि प्योर बेंडिंग की कंडीशन हम लोग सिर्फ तभी जस्टिफाई कर सकते हैं, तभी उसको मान सकते हैं कि प्योर बेंडिंग हो रही होगी, अगर हम लोग उस समय में बीम का जो सेल्फ वेट है उसको नेग्लेक्ट कर दें। अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे सो वी विल बी गेटिंग द वेट ऑफ द बीम, एंड ड्यू टू दिस वेट किसी भी सेक्शन पे मैं शेयर फोर्स निकालूंगा तो शेयर फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो डेफिनेटली, हेंस यहां पर प्योर बेंडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। दैट्स व्हाई सेल्फ वेट ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर व्हाइल डिराइविंग द बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज थ्योरी ऑफ बेंडिंग। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो इसके प्लेन ट्रांसवर्स सेक्शन है, प्लेन ट्रांसवर्स सेक्शंस, ओके, और यू कैन से प्लेन ट्रांसवर्स फाइबर विल रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। अब इसको समझना है, ओके, इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि अगर आपके पास कोई बीम है इस तरह से, ठीक है, बीम है अगर इस तरह से, तो इस कंडीशन में ये है इसका टॉप फाइबर, ये इसका टॉप फाइबर है और ये इसका बॉटम फाइबर है। नाउ नंबर ऑफ ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले सकता हूँ टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के बीच में पैरेलल टू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल मैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स ले सकता हूँ, राइट। नाउ अब मैंने क्या किया, अब इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी प्लेन होंगे ऐसे, ठीक है, so this vertical plane that is transverse plane will remain plane even after bending। इसका मतलब यह है जब आप बैंड करोगे इस स्ट्रक्चर को, इस कंपोनेंट को जब आप बैंड करोगे तो उस कंडीशन में होगा ये कि ये जो है इन लोगों का ये जो प्लेन है ये सरफेस प्लेन ही रहेगा। हो सकता है कि अपने पोजिशन से इस तरह से टिल्ट हो जाए, ठीक है, हो सकता है अपने पोजिशन से टिल्ट हो जाए, जब आप बैंड करोगे तो आप लोग ऐसा टिल्टिंग देखने को मिलेगा, बट इनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि इसमें ऐसा कुछ वेवी फॉर्म नहीं आएगा, इस तरीके से इसमें कुछ आपको कर्व्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये स्ट्रेट ही रहेगा। ओके, सो प्लेन ट्रांसवर्स फाइबर विल रिमेन प्लेन, ओके, दैट इज बेसिकली स्ट्रेट इवन आफ्टर बेंडिंग। तो ये इसका इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन नंबर सिक्स, पॉइजन्स इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। पॉइजन्स इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है। पॉइजन इफेक्ट हम जानते हैं क्या होता है, कि अगर मैं किसी कंपोनेंट को स्ट्रेच करता हूं तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो उसकी थिकनेसेस होती हैं, ठीक है, यानी कि जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस होता है। सिमिलरली अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो लेंथ घटने के साथ साथ उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द पॉइजन्स इफेक्ट। और हम जानते हैं जब हम लोग बेंडिंग करने वाले हैं तो हम लोगों को टेंशन और कंप्रेशन दिखने वाले, टॉप और बॉटम जो फाइबर्स होते हैं उसमें आप लोग को रिस्पेक्टिवली कभी टेंशन कभी कंप्रेशन आपको दिखाई देगा, डिपेंड्स ऑन कि आप सैगिंग कर रहे हैं या हॉगिंग कर रहे हैं। ओके, तो उस दौरान जो आपका पॉइजन्स इफेक्ट है उसको हम लोग नेग्लेजिबल मान रहे हैं, पॉइजन्स इफेक्ट यहाँ पर नहीं है ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे, ठीक है। देन
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इस बीम के मटेरियल का, दैट इज सेम फॉर टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन. टेंशन और कंप्रेशन दोनों में जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम है. ओके, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन. ओके, नेक्स्ट एजम्पशन है इसका कि जो बीम है, जो बीम है वो प्रिज्मैटिक है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दैट इज कॉन्स्टेंट. ओके, बीम इज प्रिज्मैटिक दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एसी इज कॉन्स्टेंट. ओके, नाउ बीम प्रिज्मैटिक है, साथ साथ क्या है, बीम का एक ना एक या फिर दो, आपके पास दो एक्सिस होंगे, ठीक है, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन को एनालाइज करोगे तो दो एक्सिस होंगे आपके पास, तो इसका एटलीस्ट एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, और जो लोडिंग हम लोग करेंगे इसमें या जो भी लोडिंग इसमें होगी दैट शुड बी अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, दैट इज द नाइन्थ एजम्पशन दैट बीम हैज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और बीम क्रॉस सेक्शन हैज, यू कैन से बीम्स क्रॉस सेक्शन हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, एंड लोडिंग इज डन अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट लोडिंग की गई. तो इतने एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो बेंडिंग इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करते हैं. तो पहला एजम्पशन जो है दैट इज बेंडिंग इज सॉरी द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट. यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन. तो मैं एक इनिशियली स्ट्रेट बीम यहां कंसिडर करता हूं. सो लेट अस सी, दिस इज द इनिशियली स्ट्रेट बीम. ओके, नाउ इसमें मैं प्योर बेंडिंग अप्लाई करता हूं. ओके, सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट एम. ओके, आप देख सकते हैं यहां पर जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया गया है, लेफ्ट साइड कैसा है क्लॉकवाइज, राइट साइड कैसा है एंटी क्लॉकवाइज. ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये आपको सैगिंग देगा. ओके, सैगिंग देगा यानी कि ऊपर वाला फाइबर कंप्रेशन में, नीचे वाला फाइबर टेंशन में होगा. ठीक है, नाउ इस बीम के लेफ्ट हैंड से एक्स इक्वल टू जीरो से किसी सर्टन डिस्टेंस एक्स पर मैं एक एलिमेंटल बीम ले लेता हूं, इस तरीके से ए बी सी डी. इसकी जो थिकनेस, इसकी जो लेंथ है एलिमेंटल बीम की दैट इज डी एक्स. ओके, तो एक यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन में दिया, लंबा मैंने ड्रॉ किया ताकि एनालाइज करने में, देखने में आपको आसानी हो. ओके, नाउ जब बेंडिंग हो रही है तो एक प्लेन ऐसा होगा जिसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं. तो दिस इज न्यूट्रल प्लेन, ये आ गया न्यूट्रल प्लेन. ओके, सो ये जो लोकेशन है न्यूट्रल प्लेन की इस एलिमेंटल बीम में, दिस इज ई एफ. इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं अब हम लोग. ठीक है, इस एलिमेंटल बीम को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द एलिमेंटल बीम ए बी सी डी एंड दिस इज द न्यूट्रल प्लेन दैट इज ई एफ. ओके, नाउ जो बीम का क्रॉस सेक्शन है, लेट अस से ये उसका कोई क्रॉस सेक्शन है, एनी क्रॉस सेक्शन ए. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ न्यूट्रल प्लेन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इंटरसेक्शन होता है दैट विल बी न्यूट्रल एक्सिस. सो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. ओके, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, और देख सकते हैं आप ये क्या डायरेक्शन है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन. ठीक है, तो जो मोमेंट लगाया गया दैट इज अबाउट द जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन के पैरेलल कौन सा एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू द जेड डायरेक्शन वो डायरेक्शन जिसके अबाउट आपने लोड अप्लाई किया है. ओके, तो इसका जो ये वाला एक्सिस होगा दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस विल बी पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया. सी इज द सेंट्रॉइड. क्लियर, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियसली. ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बीम के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कोई लेयर लेता हूं. ठीक है, लेयर लेता हूं इस तरह से.
ठीक है, ये जो लेयर है दिस इज लेट अस से जी एच। नाउ ये जो लेयर है इसकी इस न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज वाई। सो व्हाट इज वाई? वाई इज द लोकेशन ऑफ एनी प्लेन और एनी फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी फाइबर और यू कैन से प्लेन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस यहां पर वाई है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज वाई। ओके, वाई डिस्टेंस है, दिस इज जी, दिस इज एच। ओके, नाउ ये इनिशियली स्ट्रेट है, तो इसका इसके किसी भी दो पॉइंट्स अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इन नॉर्मल कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनिशियली स्ट्रेट है ये, दैट्स व्हाई इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? इनफाइनाइट है। नाउ इसमें बेंडिंग जब अप्लाई हुई हो, जब हुई तो क्या होगा? इसमें बेंडिंग हुई, सैगिंग हुई, तो ये इस तरह के शेप में आ गया, ठीक है, इस तरह के शेप में आ गया। ऊपर वाला जो फाइबर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ओके, सो ऊपर वाला जो फाइबर है उसमें क्या आएगा? कॉन्ट्रेक्शन आएगा, और नीचे वाला जो फाइबर है उसमें क्या आएगा? उसमें टेंशन आएगा। क्लियर? तो इस तरह से इसको शेप में आ जाएगा। नाउ जो फाइबर्स है उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, ऊपर वाला जो फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे वाला जो है वो स्ट्रेच हो गया, इलोंगेट हो गया। तो जो नई लोकेशन है, जो नया लेंथ है, वो है आपका ऊपर वाले फाइबर के लिए, टॉप फाइबर के लिए ए डैश बी डैश, बॉटम फाइबर के लिए कितना है? सी डैश डी डैश। अब जो न्यूट्रल प्लेन है उसके लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि न्यूट्रल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें कोई भी यहाँ पर डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो इसका लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। ई एफ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। नाउ जो हम लोगों ने यहाँ पर वाई डिस्टेंस पे जो फाइबर लिया था जी एच, उसमें भी आप लोगों को टेंसाइल फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये आ जाएगा, इसका स्ट्रेच हो गया, इसका ये स्ट्रेच हो गया, तो इसकी लेंथ हो जाएगी जी डैश एच डैश, दिस डिस्टेंस इज वाई। नाउ अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा है आप लोगों को, दैट विल हैव अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। पहले ही जब स्ट्रेट था तो इनफाइनाइट वैल्यू थी, अब ये बैंड हो चुका है तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालूंगा? दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या किया मैंने यहाँ पर से? नॉर्मल ड्रॉ किए, ये नॉर्मल जाकर के एक फाइनाइट पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ओ इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो न्यूट्रल प्लेन की डिस्टेंस होती है, रेडियल डिस्टेंस जो होती है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से न्यूट्रल प्लेन की, ई एफ इज वॉट? ई एफ इज द न्यूट्रल प्लेन। तो न्यूट्रल प्लेन की जो रेडियल डिस्टेंस होती है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो एंगल है, लेट अस से जो एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट है वो इस सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ कर रहा है, लेट अस से दैट इज थीटा। तो यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल ड्रॉ हुआ है दैट इज थीटा। ओके, नाउ अब हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग देख पा रहे हैं कि जब स्ट्रेट था उस समय में क्या था, और जब बेंड किया गया उस समय में क्या है। देखिए, जब स्ट्रेट था तो ये जो सभी प्लेन्स आपको दिख रहे हैं, सभी की लेंथ बराबर दिख रही है आपको। ये लेंथ कितनी है? दिस इज डी एक्स, ठीक है। सो जो हमने यहाँ पर वाई डिस्टेंस पे कोई प्लेन लिया जिसपे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उसको अगर देखें तो लिख सकता हूँ ई एफ, दैट इज द लेंथ ऑफ न्यूट्रल प्लेन, विल बी इक्वल टू जी एच, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है डिस्टेंसेस अलग अलग है, तो डेफिनेटली क्या हुआ इसमें? कुछ ना कुछ स्ट्रेन हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है। तो जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रेन इन अ प्लेन एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे मौजूद किसी प्लेन पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन कितना आ रहा है। तो स्ट्रेन एप्सिलॉन। ओके, अब आप देखिए क्या हुआ, पहले ये स्ट्रेट था, अब ये इसमें स्ट्रेचिंग हुई यानी कि टेंशन हुआ, ऊपर वाले में कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, तो बेसिकली इसकी लेंथ बढ़ रही है। ओके, तो जो स्ट्रेन आप लोग को देखने को मिल रहा है इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो लेंथ है उसमें चेंज हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेंडिंग अप्लाई की। बेंडिंग अप्लाई करने से क्या हुआ, डिफरेंट फाइबर्स में स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रेक्शन का इवेंट यहाँ पर हुआ। स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शन के कारण डिफॉर्मेशन देखने को मिला। और ये स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शन हो किस में रहा है? ये हो रहा है डिफरेंट फाइबर्स में, उस फाइबर्स की लेंथ को चेंज किया जा रहा है। तो उसमें जो स्ट्रेन आ रहा है
वो किस तरीके का स्ट्रेन होगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, दैट स्ट्रेन विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो ये जो यहाँ हुआ क्या, यहाँ फाइबर्स की लेंथ में चेंजेस आए हैं, ऊपर वाले में कमी हुई है, नीचे वाले में यानी न्यूट्रल प्लेन के ऊपर वाले में कमी हुई है इस पर्टिकुलर केस में, और नीचे वाले में बढ़ गई है। ठीक है, अगर हॉगिंग लेते तो सिचुएशन जस्ट अपोजिट होती। ठीक है, अब क्या हुआ, जब लेंथ चेंज हुई है तो मैं कौन सा स्ट्रेन निकालूंगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये जो फाइबर्स में जो स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन इन द फाइबर्स, स्ट्रेन इन फाइबर्स इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। नाउ ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो जी एच में चेंज इन लेंथ कितना होगा, फाइनल लेंथ दैट इज जी डैश एच डैश माइनस इनिशियल लेंथ दैट इज जी एच अपॉन इनिशियल लेंथ दैट इज जी एच। क्लियर, नाउ इनिशियली जी एच इक्वल टू ई एफ था। ठीक है, अब ई एफ की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आया क्योंकि वो न्यूट्रल प्लेन है। नाउ इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए, ये है आपका सेंटर, ठीक है, ये है आपका रेडियस, ठीक है, और ये ई एफ क्या है, आर्क है। हम जानते हैं आर्क इक्वल टू वॉट, आर्क इज इक्वल टू वॉट, एंगल इंटू रेडियस होता है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो ये जो ई एफ है दैट इज नथिंग बट आ आर्क, तो ई एफ यहां से लिख सकता हूं मैं, ई एफ यहां से लिख सकता हूं, रेडियस कितना है, आर है रेडियस, एंगल है थीटा, तो हो जाएगा आर इंटू थीटा। सो ई एफ इक्वल टू क्या है, जी एच, सो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू जी एच, सो जी एच की वैल्यू आ गई आर इंटू थीटा। नाउ जी डैश एच डैश कितना है, ये जो गैप है, जो डिस्टेंस है, दिस इज वॉट वाई, तो जी एच के लिए रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर प्लस वाई है। ओके, सो सेम इसी फॉर्मूले से जी डैश एच डैश कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा जी डैश एच डैट इज आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाई आर थीटा। ओके, दैट इज वाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू थीटा, थीटा थीटा कैंसल हो गया, जो स्ट्रेन है वो आ गया आप लोगों के पास वाई बाई आर। ओके, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक, अब ये आ गया स्ट्रेन। अब हमने माना है कि जो मटेरियल है, बीम का जो मटेरियल है, दैट ओबेज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, के जो स्ट्रेन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल। क्लियर, नाउ ये जो स्ट्रेन है कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। ठीक है, तो स्ट्रेस भी कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस होगा। ठीक है, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल तो स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल, और आप देख सकते हैं हमने यहां पर बेंडिंग प्रोवाइड करी है, लेकिन क्रॉस सेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल दैट इज नथिंग बट अ नॉर्मल स्ट्रेस वो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई जो स्ट्रेस है कैसा है, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ तो क्या हुआ, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, और यू कैन से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, अब मैं हुक्स लॉ से उस स्ट्रेस को और स्ट्रेन को रिलेट कर सकता हूं, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और या फिर लिख सकता हूं स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इनटू एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई ई। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन और टू से लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आई कैन राइट दैट सिग्मा बाई ई is equal to y by r होगा। ओके, तो सिग्मा बाई इज इक्वल टू वाई बाई आर, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, सिग्मा बाई इज इक्वल टू वाई बाई आर को सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ओके, एंड लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, तो इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन नंबर थ्री पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर थ्री, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, मैंने आपको बताया बेंडिंग हम लोगों ने अप्लाई करी, बेंडिंग अप्लाई करने के कारण क्रॉस सेक्शन में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नथिंग बट एन इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, सो दिस वॉज द न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन में देखिए, आप यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला जो प्लेन है उसमें टेंशन, जिसमें टेंसाइल फोर्स सेटअप हुआ होगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स सेटअप हुआ होगा, इसके कारण यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आया, कंप्रेसिव स्ट्रेस आया, एंड दिस स्ट्रेस सिग्मा विच इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द प्लेन्स। ओके, इट इज ड्यू टू बेंडिंग, तो इसको नाम देते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अब सिग्मा बी से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा बी से, तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई करता हूँ इसको, सिग्मा बी, सिग्मा बी। ओके, सिग्मा बी,
क्लियर, समझ आ गया क्या हुआ? अब बेंडिंग स्ट्रेस हो गया ये। अब देखिए नीचे टेंशन है, ऊपर कंप्रेशन है, ठीक है, ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेस सिग्मा बी सी, नीचे टेंशन है तो यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा दैट इज सिग्मा बी टी। क्लियर? नाउ अब क्या है, देखिए इस इक्वेशन को, सिग्मा बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बी लिख सकता हूं मैं ई बाई आर इंटू वाई, E by R into Y. Now, E is the Young's modulus, which is a property of the material. एक certain material का एक certain Young's modulus होता है. अब R क्या है? Radius of curvature है. आप अगर एक proper loading दोगे, एक certain loads आप लगाते हो, ठीक है, loads आपके move नहीं कर रहे, it is not moving load. अगर moving load नहीं है तो उस condition में क्या होगा, beam एक certain bending provide करेगी आपको, एक certain bending आपको show करेगी, और उससे ज्यादा फिर ये बार बार इस तरह से change नहीं होगी, if the load is not changing its location. करेक्ट? तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट विल नॉट चेंज। सो फॉर अ गिवन बेंडिंग मोमेंट m, इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, अगर आप m की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट विल नॉट चेंज। सो e by r बिकम्स कांस्टेंट, e by r बिकम्स कांस्टेंट, तो आप देख सकते हो कि ये जो है इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सिग्मा b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, वेयर y इज व्हाट, y इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेन which is measured perpendicular from the neutral axis. इसका क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये बन गया कांस्टेंट, इसको आप कंपेयर कर सकते हो y is equal to mx plus c के इक्वेशन से। इस इक्वेशन में आप देखेंगे c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जीरो है, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये कांस्टेंट हो गया e by r, तो इससे पता चल रहा है कि सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, सिग्मा बी हर जगह अलग अलग होता है y के साथ, वो चेंज करता है, और किस तरह से चेंज करता है, लीनियरली चेंज करता है, तो ये बताता है दी वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, एंड इट सेज दैट दी वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज लीनियर, ये बोल रहा है वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस कैसा है, लीनियर है। क्लियर? अब इस इक्वेशन में अगर आप लोग y इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है, y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, देखिए y क्या डिस्टेंस है मेजर परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस, अगर y इक्वल टू जीरो कहूंगा इसका मतलब क्या होगा कि आप कहां पर हो, आप हो अभी न्यूट्रल प्लेन पे, सो y इक्वल टू जीरो यानी कि न्यूट्रल प्लेन पे हम लोग अगर यहां वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, एट y इक्वल टू जीरो सिग्मा b इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, जो कि हमको ऑलरेडी पता था कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा न्यूट्रल प्लेन पे वो जीरो होगा। ओके, तो ये जो वेरिएशन होगा स्ट्रेस का, बेंडिंग स्ट्रेस का, दैट विल बी लीनियर। तो क्रॉस सेक्शन पे मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं, तो यहां पर मैं लिखा जीरो स्ट्रेसेस, दिस इज जीरो स्ट्रेसेस, इस तरफ रिप्रेजेंट करूंगा मैं, इस तरफ रिप्रेजेंट करूंगा यानी कि लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करूंगा निगेटिव स्ट्रेसेस यानी कि कंप्रेसिव, और इस तरफ मैं रिप्रेजेंट करूंगा पॉजिटिव यानी कि टेंसाइल स्ट्रेसेस को। ठीक है, तो ये सैगिंग का केस है, सैगिंग का केस है तो इस तरफ आया, ऊपर तरफ कंप्रेसिव, नीचे के फाइबर में टेंसाइल। ओके, और इस तरह से लीनियर वेरिएशन मुझे मिल गया बेंडिंग स्ट्रेस का। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बीम के लिए, चाहे वो सैगिंग की कंडीशन में हो, हॉगिंग की कंडीशन में हो, हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, ऊपर क्या है सिग्मा बी सी बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो स्ट्रेस है वो वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन के अलाउंग। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, दिस वाज योर न्यूट्रल एक्सिस एन ए, ओके, दिस वाज द प्लेन एट वाई डिस्टेंस। तो इस वाई डिस्टेंस पर मैं क्या करता हूं, अब इस वाई डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल एरिया ले लेता हूं। ठीक है, अब मुझे पता है वाई डिस्टेंस पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बी इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई। ठीक है, तो अब यहां पर स्ट्रेस है, अब मैंने यहां पर एक एलिमेंटल एरिया ले लिया, इसकी वैल्यू है डी ए, तो मुझे पता चल सकता है कि यहां पर अब फोर्स कितना है। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स कितना है, स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय दी एरिया। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग बेंडिंग कर रहे हैं इस तरह से, जब बेंडिंग हुआ, ठीक है, तो ये जो यहां पर मैंने अगर सेक्शन काट करके देखा तो क्या मिला मुझे, इस तरफ टेंसाइल फोर्सेस मिले इस तरफ से, और इस तरफ क्या मिले, कंप्रेसिव फोर्सेस मिले। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, जब मैं इसमें बेंडिंग अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, उस कंडीशन में जो बीम का मटेरियल है वो क्या कर रहा है, जब आप लोगों का फाइबर स्ट्रेच हो रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, तो क्या होगा, बीम अपने इनिशियल पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो इस टेंसाइल फोर्स को बीम क्या करेगा, बीम का मटेरियल क्या करेगा, एक टेंसाइल फोर्स से काउंटर करने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जहां पर टेंसाइल यानी कि टेंशन जहां पर इंड्यूस हो रहा था, वहां पर बीम के
इंटरनल पोर्शन में इंटरनली हमको देखने को मिलेगा कि बीम में टेंशन क्रिएट हो रहा है और जहां पर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था वहां पर बीम में इंटरनली कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग अब बेसिकली उस टेंसाइल या उस कंप्रेसिव फोर्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं कि वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे स्ट्रेस पता है और मुझे स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो उस रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। नाउ बेंडिंग हो रही थी यहां पर, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आने वाला है, ठीक है, हमको पता है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिया, सैगिंग का केस मैंने लिया था, तो ये इस तरीके का होगा इसका नेचर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड, इस तरह से आप लोगों को रेजिस्टिंग फोर्सेस का डायरेक्शन मिलेगा। तो इस एलिमेंटल एरिया के लिए जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा, लेट अस से डीपी इज द रेजिस्टिंग फोर्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा बी, यहाँ पर स्ट्रेस सिग्मा बी है, इनटू एरिया, दैट इज डीए, ठीक है। तो वैल्यू लिख देते हैं इसके, सिग्मा बी dp is equal to sigma b, that is e by r into y into da, clear। now आपको देखने को मिला इस तरह से कि ये क्या किया इस कंडीशन में, ये जो फोर्स है मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि ये टेंसाइल है, ठीक है, ये वाला टेंसाइल है, ट्रैक दिस, ऊपर वाला जो फोर्सेस है वो कैसे है, वो कंप्रेसिव है, दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड, ओके, एंड टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड लाइक दिस। तो क्या कर रहा है, ये जो टेंसाइल फोर्स है dp, इसने क्या किया, इसने इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या किया, बीम में एक मोमेंट क्रिएट किया, ठीक है, एंड दिस इज द रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है, रेजिस्टिंग मोमेंट इसने क्रिएट किया क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। अब ये रेजिस्टिंग मोमेंट क्या कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल मोमेंट आया है, अब आप समझिए इस चीज को, जब हम लोग टेंसाइल लोडिंग करते हैं, आप टेंशन में लाते हो किसी भी कंपोनेंट को, तो उस समय क्या होता है, उस समय जब आप सेक्शन काट करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो इंटरनल इसके एटम्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, एफ, ओके, एफ रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपने क्या किया है, एक रेजिस्टिंग लोड अप्लाई किया, इट कुड बी अ पॉइंट लोड, ओके, आपने लोड लगाया यहां पर, अभी आपने क्या किया, अभी आपने मोमेंट लगाया, तो मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मोमेंट अप्लाई कौन करेगा, लगाया किसके ऊपर जा रहा है, लगाया जा रहा है इसको बीम के मटेरियल के ऊपर, तो बीम का जो मटेरियल है वो अपने क्रॉस सेक्शन में एक रेजिस्टिंग मोमेंट, एक रिस्टोरिंग मोमेंट क्रिएट करेगा जिसके थ्रू वो जो एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई किया गया ड्यू टू लोड्स उसको काउंटर कर पाएगा, ठीक है। सो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स आया है, इस रेजिस्टिंग फोर्स का जब मैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे उसी रेजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो रेजिस्टिंग, दैट इज रेजिस्टिंग मोमेंट ओके ऑन एलिमेंट, अब मैं निकाल सकता हूं रेजिस्टिंग मोमेंट ऑन एलिमेंट, सो दिस इज डीएम आपके पास आ गया, जो रेजिस्टिंग फोर्स है दैट इज पी इनटू डिस्टेंस दैट इज वाई, ठीक है। अब ऐसे पूरे क्रॉस सेक्शन में इसी तरीके के इवेंट हो रहे हैं, यहाँ पर पूरा टेंसाइल फोर्सेस है, आप इसको देख सकते हो क्या है, ये आपके पास अगर आप लोग साइड से इस तरफ से देखो, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, दिस इज योर न्यूट्रल प्लेन, इस तरफ आ रहे हैं टेंसाइल रेजिस्टिंग फोर्सेस, ओके, और इस तरफ आ रहे हैं कॉम्प्रेसिव रेजिस्टिंग फोर्सेस, क्लियर, और ये दोनों मिलकर के क्या क्रिएट कर रहे हैं, मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में अगर पी डी पी इंटू वाई का समेशन कर दूं, पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए अगर ये वैल्यू निकाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज द मोमेंट offered by the cross section or the material of the beam to resist the external moment, okay, that is moment offered by beam material to resist the bending moment due to external loads, clear। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp इंटू y, ओके, सो दिस विल बी m, दैट इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, so it is nothing but the moment
और दी कपल ऑफ द मोमेंट ऑफ कपल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस। ओके, आप ऐसा ले सकते हैं, आपका ये अगर ये न्यूट्रल प्लेन है या आप इसको न्यूट्रल एक्सिस भी देख सकते हैं, आपको क्रॉस सेक्शन में इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आप क्रॉस सेक्शन में भी चाहें तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लाइक दिस, ये आप लोगों का न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो इसका एक एवरेज आप फोर्स ले सकते हो, तो एवरेज एक फोर्स आ रहा है इस तरफ, टेंसाइल फोर्स है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लाइक दिस, ये इसका डायरेक्शन है, दिस इज पी टी, ओके, एंड दिस इज पी सी, दोनों का मैग्नीट्यूड इधर सेम होगा। और ये लोग क्या क्रिएट करेंगे, कपल क्रिएट करेंगे विच विल ट्राई टू रिस्टोर दी बीम इन इट्स इनिशियल पोजिशन। और ये क्या करेगा, बेसिकली जो जो आपके एक्सटर्नल लोड्स के कारण जो मोमेंट आया है उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मिल जाएगा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, वॉट इज वैल्यू ऑफ पी, पी इज ई बाई आर इन टू वाई, ओके, इन टू डी ए इन टू वाई हो गया ये वाला। ठीक है, तो जाएगा ई बाई आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो ई बाई आर इन टू जाएगा वाई स्क्वायर डी ए, y square dA. Now what is y? y was the distance perpendicular to the neutral axis. ठीक है, और ये y square dA क्या होता है, हम जानते हैं कि ये moment of inertia होता है, हम लोगों ने देखा था, अगर आपके पास ऐसा x axis है, this is your x axis, this is y axis, और यहाँ पर अगर मैं आप elemental कोई area लेते हो dA, और इसके center dA, okay, और ये distance अगर y हो, okay, so तो y square dA जो होता है, y square dA जो होता है, दैट इज आई एक्स एक्स, ओके। सो यहाँ पर ये जो एक्सिस है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, सो दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आई एन ए, और यू कैन ऑल्सो राइट इट आई जेड जेड, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए, क्लियर। नाउ तो इसको लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू E by R into I N A। आप लोग उसको अगर I N A लिखने में प्रॉब्लम होता है तो I N A को मैं I से, कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा M by I is equal to E by R, ओके। नाउ प्रीवियसली जो हमको इक्वेशन मिला था, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, एंड लेट अस सी दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से आप लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से लिख सकते हो M by I is equal to sigma by y is equal to E by R. Okay, so this equation is known as the theory of bending or the bending equation. जहाँ पर M क्या है? M आपका moment of resistance है. I is the moment of inertia of the cross section about the neutral axis. Sigma or sigma B is the bending stress at any location. ओके, वाई इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेन, ई इज द यंग्स मॉडुलस, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड ओनली फॉर कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग। तो देखते हैं कि इसको हम लोग एक जनरल केस में कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब भी कोई बीम देखते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप कोई एक्चुअल बीम अगर आप लोग देखते हो, तो किसी भी डेली लाइफ प्रॉब्लम में जो हम लोग बीम्स पढ़ते हैं, उस बीम में डेफिनेटली कोई ना कोई लोड लग रहा होता है, पॉइंट लोड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, सो नंबर ऑफ लोड हम लोग देखते हैं। गेट एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसमें आप लोगों को नंबर ऑफ लोड्स लगे होंगे बीम में, तो ऐसी कंडीशन में मैं इस इक्वेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई बीम है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम, जो मैं बताने वाला हूँ किसी भी कंडीशन में वैलिड है, ओके, सो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, वन एंड हिंज, वन एंड रोलर सपोर्ट, ठीक है, एल इसका लेंथ है, तो इस पर यूडीएल लग रहा है ऑफ इंटेंसिटी लेट अस डब्ल्यू पर यूनिट रन, इसमें लग रहा है लोग, ठीक है। नाउ इसका अगर आप लोग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो आप लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगा शेयर फोर्स डायग्राम लाइक दिस, ओके। इस लोकेशन पे दैट इज एल बाई टू पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि शेयर फोर्स जो है वी एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ जब इसका आप लोग बेंडिंग ऑन डायग्राम बनाते हो, बिल्कुल ड्रॉ करके देखिएगा आप लोग, ठीक है, तो जब बेंडिंग ऑन डायग्राम बनाओगे, तो जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो है, उस पॉइंट पे आप लोग को मैक्सिमम बेंडिंग ऑन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी एम बाई डी एक्स है दैट इज स्लोप ऑफ बेंडिंग ऑन विल बी जीरो, करेक्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग ऑन मिलेगा, एम मैक्स मिलेगा आप लोगों को। और इसकी वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन के लिए, हम लोग जानते हैं, आपको याद होना चाहिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट इसकी वैल्यू होती है, सब आपको याद होना चाहिए, ओके, सो दिस इज योर एस एफ डी,
एंड दिस इज योर बी एम डी. क्लियर, ये होता है. तो इस लोकेशन पे जब बीम में हम लोग इसको अप्लाई करने जाएंगे, नंबर ऑफ लोड लगा होगा जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको एक लोकेशन आपको मिलेगा उस बीम में जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है. अब जिस जगह शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है वहां पर मैं कह सकता हूं कि बीम में कोई भी शेयर फोर्स नहीं है. इसका मतलब अब जब बीम में कोई शेयर फोर्स नहीं है उस लोकेशन पे, तो जो हमारे प्योर बेंडिंग के सारे अजम्पशन है, ठीक है, वो वहां पर फिट हो जाएंगे. जो हमने अजम्पशन लिए इस डेरिवेशन के दौरान वो सभी यहां पर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे. तो इस लोकेशन पे दैट इज वी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जहां पर बीम में शेयर फोर्स जीरो होगा, इस लोकेशन पे हम लोग हमारा जो बेंडिंग इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे. सो बेंडिंग इक्वेशन, यूज बेंडिंग इक्वेशन हियर, यहीं यूज करेंगे. इसको यूज करने से फायदा भी है. क्यों ऐसा फायदा है? हम जानते हैं कि बीम में जिस जगह शेयर फोर्स जीरो होता है उस जगह हम लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग वो मिलता है. ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ इसको देखिए. अगर आप इन दो टर्म, इस फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप देखते हो, दैट इज एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई, तो आपको देखने को मिलेगा सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई होता है. ठीक है, यानी कि अगर m की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो सिग्मा बी है दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी. अब क्या होता है, अगर बीम में हम लोग जानना चाहे कि मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है बाई सर्टेन लोड, आपने को सर्टेन लोड लगाया है तो ड्यू टू दैट लोड कितना मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एम मैक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सिग्मा बी मैक्स मिल जाएगा. सो इफ एम इज इक्वल टू एम मैक्स देन सिग्मा बी विल बी इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स. दैट्स वाई हम लोगों के लिए और बेनिफिट मिल गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने इसको इस इक्वेशन को कहाँ अप्लाई किया, जहाँ पर वी एक्स जीरो, जहाँ वी एक्स जीरो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, बेंडिंग में जहाँ मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा. और मैक्सिमम स्ट्रेस आप लोगों को अगर पता चल जाता है और आपका मैक्सिमम स्ट्रेस जो है अगर सिग्मा बी मैक्स दैट इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस. ये आपकी बीम की स्ट्रेंथ से, ओके, सिग्मा परमिसिबल से अगर कम है तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपका बीम है वो सेफ है. बीम जो है वो डिफॉर्म नहीं होगा, बीम जो है वो ब्रेक नहीं होगा. सो बीम इज सेफ. सो फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जब बीम की डिजाइन करेंगे तो ये देखेंगे जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस से अगर ज्यादा नहीं होना चाहिए. और मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग किसके बेसिस पर निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की हेल्प से निकालेंगे. दैट्स वाई ये इक्वेशन हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, हमेशा वहां अप्लाई करेंगे जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है. और जैसे ही वहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे प्योर बेंडिंग की कंडीशन प्रिवेल होगी, फॉलो होगी, हम लोग इस पूरे इक्वेशन को वहां पर अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस इक्वेशन. नाउ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. ये जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, दिस फॉर्मूला इज नोन एज फ्लेक्शर फॉर्मूला बोलते हैं. एंड फ्लेक्शर इज नथिंग बट द बेंडिंग स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है फ्लेक्शर. ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शर फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को देखने के दो प्रस्पेक्टिव हैं, दोनों को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा. ठीक है, देखिए अब तो जो हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पर फ्लेक्शर फॉर्मूला दैट इज द रिलेशनशिप फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो इसका सबसे पहला यूज देखते हैं. तो सबसे पहला यूज होता है टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस रिलेशनशिप में हमारे पास क्या है, हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या किया रहेगा, आप लोगों को कोई ना कोई लोडिंग कंडीशन दी होगी जिसके करस्पॉन्डिंग आप लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे, बेंडिंग डायग्राम बनाओगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है. ठीक है, नाउ क्या होता है, आप लोगों को जो लोडिंग दी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, आई है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसी भी जो आपको क्रॉस सेक्शन दिया होगा उसके लिए आप आई कैलकुलेट कर लेंगे. एंड व्हाट विल बी दी वाई, वाई विल बी लोकेशन ऑफ दैट प्लेन जिस पे आप लोगों को बेंडिंग स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है. ओके, सो लेट अस से हमारे पास ऐसा कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो विड्थ है दैट इज बी और इसकी जो हाइट है दैट इज एच. ओके, तो इसका ऐसे न्यूट्रल एक्सिस हम लोग को मिलेगा, सेंट्रोइड एक्सिस से पास होता है. ठीक है, तो हम लोग को पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका हाइट हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा एड बाई टू एंड दिस विल बी बी बाई टू. ओके, सो इसके टॉप
और बॉटम प्लेन इस पे y की वैल्यू हाईएस्ट है इस तरफ और इस तरफ, तो इस तरफ जो y की वैल्यू है दैट विल बी y इक्वल टू एच बाई टू एंड हियर ऑल्सो y विल बी इक्वल टू एच बाई टू। ओके, तो इधर टेंसाइल या कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस हम लोगों को टॉप और बॉटम फाइबर पे देखने को मिलेंगे एंड दोज विल बी दी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस। नाउ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग को जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन में आप लोग को सिग्मा बी मैक्स पूछा होगा तो आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है जब सिग्मा जब एम मैक्सिमम होगा तो सिग्मा बी भी मैक्सिमम होगा, मैंने आपको इस चीज को पहले ही बताया। तो एम मैक्स आप लोग कैलकुलेट करोगे फ्रॉम दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, देन सिग्मा मैक्स इन टू वाई बाई आई आप लोग पुट करोगे और तो आप लोग किसी भी लोकेशन पे किसी भी आपको वाई की कोई वैल्यू हो सकता है आपको टॉप फाइबर पे पूछा हो सकता है आपको किसी भी इंटरमीडिएट लोकेशन पे पूछा हो, आप लोग को बस क्या करना है वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और आप लोग बता सकते हो कि जो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस है उसकी वैल्यू क्या है टॉप फाइबर पे बॉटम फाइबर के पे। आपको टॉप पे निकालना होगा। ओके, टॉप फाइबर पे जब आपको निकालना होगा तो आप लोग वाई की वैल्यू पुट कर दोगे टॉप के अकॉर्डिंग। ओके, टॉप फाइबर के अकॉर्डिंग पुट कर दोगे, जब आपको बॉटम फाइबर पे निकालना होगा तो y की वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे एज पर दी बॉटम फाइबर। बॉटम फाइबर की लोकेशन आप निकाल दोगे, ठीक है, डायग्राम देख करके क्वेश्चन में जो आपको डायग्राम में अवेलेबल होंगे या जो आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। i आप लोग निकाल सकते हो, जो भी आपके स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस हैं उसके लिए आप लोग को आई एन ए दैट इज न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा और आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। अब ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ इसमें हुआ क्या, बेसिकली इसमें हुआ ये कि आपको लोड दिया गया था कि इतने लोड लग रहे हैं और आपको बताना था कि कितना स्ट्रेस इसमें जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसका इसको अगर आप ध्यान से समझो तो आप देखोगे कभी भी जब हम लोग कोई एक्सटर्नल लोड लगाते किसी भी कंपोनेंट पे, सिंपल अगर मैं टेंसाइल लोडिंग की बात करूं तो जब आप टेंसाइल लोड लगाते हो तो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अट्रैक्शन फोर्स के कारण उस लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करते हैं और एक रजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होता है और रजिस्टिंग फोर्स पर एरिया आप लोगों को स्ट्रेस दे देता है। तो जब भी आप लोग एक्सटर्नल लोड लगाते हो तो उस एक्सटर्नल लोड को काउंटर करने के लिए जो मटेरियल है वो इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब सेम वैसे जब आप लोग लोडिंग कर रहे थे एक्सेल लोडिंग कर रहे थे तो आप लोग को टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिखा, सिमिलरली जब आप बेंडिंग कर रहे हो बेंडिंग मोमेंट जब यहाँ पर लग रहा है ये बेंडिंग मोमेंट कैसे आ रहा है, ये बेंडिंग आ रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल लोड, किसी एक्सटर्नल लोड के कारण ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। नाउ इस एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को अगर इस बीम को झेलना है तो बीम को क्या करना होगा, बीम को इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट करना होगा दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहां पर बीम में लेट अस से एक्सटर्नल लोड्स के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट आया, एम मैक्स आया। तो व्हाट इज एम मैक्स, एम मैक्स इज नथिंग बट द बेंडिंग मोमेंट और यू कैन से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड यहां पर आया, ठीक है। नाउ बीम क्या करेगी, इसके इक्वल बट अपोजिट रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट करेगी दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो जो एम मैक्स होगा, एम मैक्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा रेजिस्टिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड के, और जब एम मैक्स इक्वल टू एम आर होगा यानी कि रेजिस्टिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपके अप्लाइड मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो उस कंडीशन में जब आप समेशन ऑफ एम करोगे बीम के लिए तो आप लोग को मिल जाएगा एम मैक्स माइनस एम आर इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो हमेशा क्या होगा, जितना भी आप एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई करोगे यानी कि लोड के कारण जितना एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा बीम में एट एनी सेक्शन, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिंग मोमेंट और द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सेक्शन, उतना वहां पर रेजिस्टेंस बीम जो है वो क्रिएट करेगी ताकि वो लगाए गए लोड को विथस्टैंड कर पाए झेल पाए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, हम लोग जानते हैं भाई ये क्या है, एम जो है, एम जो है दैट इज योर रेजिस्टिंग मोमेंट, एम क्या है रेजिस्टिंग मोमेंट है। ओके, रेजिस्टिंग मोमेंट है, तो रेजिस्टिंग मोमेंट की मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमेशा याद रखना है जो रेजिस्टिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज एम आर, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं यहां पर सोल्यूशन करूंगा तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टिंग मोमेंट और द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम
ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि अगर इतना एक्सटर्नल लोड है तो बीम में कितना स्ट्रेस क्रिएट हुआ, कितना बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट हुआ। तो जब भी मैं किसी लोड के करस्पॉन्डिंग ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना स्ट्रेस आया, तो मैं उस समय किसके बारे में डिस्कस कर रहा होता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ इंड्यूस स्ट्रेसेस के बारे में। ओके, जो मैंने यहाँ पर प्रीवियसली अपना डिस्कस किया। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें क्या होता है कि हम लोग लोड लगाते हैं, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होते हैं, फिर देखते हैं कि लगाए गए लोड्स के कारण बीम में कितना बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हुआ, दैट इज इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस। सो फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनालिसिस किए इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस का। ओके, इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस का। तो बेसिकली प्रॉब्लम किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस कैटेगरी का प्रॉब्लम है जिसमें आपको पता है कि बीम में कितना लोड है और आप बता रहे हो कि इस लोड के कारण इसमें इतना स्ट्रेस आया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, क्लियर। नाउ सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम अगर इस इक्वेशन को ध्यान दें तो इसमें से देखने को मिल रहा है कि एम मैक्स दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या ऐसा हमेशा होगा, यानी कि जितना भी आप चाहो उतना लोड लगा दो, जितना चाहो उतना बेंडिंग मोमेंट बीम में आ जाए, बीम हमेशा उसको झेल पाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जब बीम को हम लोग या किसी भी मटेरियल को हम लोग लोड करते हैं तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं और स्ट्रेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू ही वो झेल सकता है, स्ट्रेस की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं झेल सकता। दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच एनी मटेरियल कैन विदस्टैंड इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर उस हर मटेरियल की स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा स्ट्रेस उसमें पैदा अगर हो जाए तो वो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा फॉलो नहीं होगा, इसकी एक रेंज होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये, अब यहां से प्रॉब्लम आता है डिजाइन का। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है दैट इज बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ बीम। तो डिजाइन ऑफ बीम आपको करना है, मतलब डिजाइन का प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम ऐसा कि आपके पास, आपको पता है कि आपको इतना लोड झेलना है। ठीक है, आप लोगों को इतना लोड झेलना है। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि आपके पास मटेरियल क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये मटेरियल ये इस लोड को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है कि मेरे पास ये मटेरियल है, इस मटेरियल से मुझे इस बीम को बनाना, इस मटेरियल से इस बीम को डिजाइन करना है, तो इसमें अधिक से अधिक कितना लोड लगाया जा सकता है ये आप बताओगे इन डिजाइन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लोग को बेसिकली दो चीजें करनी होगी, आपको पता होगा कि बीम का मटेरियल क्या है, ठीक है, और आप बताओगे कि अगर इसके बीम का डायमेंशन ये है, मटेरियल ये है, तो उसमें कितना लोड लग सकता है। दूसरा प्रॉब्लम इस कैटेगरी में कि आप लोगों को पता होगा कि इसका स्ट्रेंथ इतना है, इसका डायमेंशन इतना है, इसका स्ट्रेंथ इतना और इसमें लोड इतना लग रहा है, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे। इसमें आप लोग को दो तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो एक में आप लोग कैलकुलेट करोगे अलाउएबल लोड आप कैलकुलेट करोगे, और दूसरा इसमें आप कैलकुलेट करोगे डायमेंशंस। ओके, दूसरा इसमें डायमेंशंस का कैलकुलेशन हो रहा होगा। अलाउएबल लोड यानी कि कैसे करेंगे, देखिए आप, हम जानते हैं कि हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ जैसे कि हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जानते हैं, हम यील्ड स्ट्रेंथ जानते हैं। जब भी किसी मटेरियल पे हम लोग यूटीएम में, दैट इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो हम लोगों को उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ SUT हो और yield strength SYT हो, ठीक है, SYT is the yield strength, SUT is the tensile strength. Tensile strength SUT का इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग for brittle material, क्योंकि brittle material टेंशन में फेल होते हैं, वीक इन टेंशन होते हैं। ठीक है, और जो आपके ductile material होते हैं दे फेल्स ड्यू टू एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो यील्डिंग एक तरह से फेलियर क्राइटेरिया है आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल के लिए। बेसिकली डक्टाइल मटेरियल को जब आप और अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप जाओगे दिस इज वीक इन शेयर। ओके, सो दैट इज पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर, तो वो अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल आप लोगों का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण फेल होता है। तो अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये कंपोनेंट, ये बीम हमारे यूज की नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर बीम में इतना स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए, इसके बराबर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए, तो डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा। तो इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आपके पास लेट अस से आप किसी शॉप में गए, आप किसी शॉपकीपर के ओनर हो, ठीक है, किसी शॉप के ओनर हो आप, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके पास कोई कस्टमर आया, बोला कि मुझे कोई अच्छी सी, एक अच्छी मजबूत चेयर दिखाओ, एक अच्छी कोई बेंच दिखाओ, ऐसा उसने बोला, जैसे कि हमारे क्लासरूम में आपके पास बेंच होती है, तब इस बेंच में मैंने
देखा है, मैं जानता हूँ इस बेंच को कि इस बेंच में 6 persons बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं, 6 से ज़्यादा अगर इसमें बैठेंगे तो डेफिनेटली टूट जाएगा। एज अ डिज़ाइनर, एज अ इंजीनियर मुझे ये चीज़ पता है। अब क्या हुआ, जो कस्टमर है मैंने उसको बताया कि भाई एग्जैक्टली इसमें 6 persons बैठ सकते हैं, ठीक है, तो उसने 6 persons से ज़्यादा पर्सन उसमें बैठा दिए तो क्या होगा, डेफिनेटली वो कोलैप्स हो जाएगा। सो दैट्स वाई डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, हमेशा एक मार्जिन लेकर के चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चला डिज़ाइनर, उसने बोला कि नहीं भाई इसमें तो 3 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 से अगर उसने ज़्यादा बैठा दिए तब भी अब वो फेल नहीं होगा क्योंकि वो अधिक से अधिक 6 लोगों का वजन झेल सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया हम लोगों ने किया स्ट्रेंथ को डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से और हमको मिल गया परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस वो वैल्यू है जो डिज़ाइनर डिसाइड करता है, और अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनर अगर कहीं पर भी स्ट्रेस की वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा हो जा रही है तो मैं उस कंपोनेंट को फेल घोषित कर दूंगा, फेल मान लूंगा, ठीक है। तो कभी भी क्या होना चाहिए, सिग्मा जो आपका इंड्यूस स्ट्रेस है, जो इंड्यूस स्ट्रेसेस हैं फॉर सेफ्टी दैट शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस जो मैंने आपको बताया, एंड फॉर लिमिटिंग वैल्यू जो सिग्मा बी होगा दैट इज इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए। और डिजाइन के लिए हम लोग पर लिमिटिंग वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल का इस्तेमाल करके हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। नाउ सिग्मा बी किसके बराबर हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर हो गया। तो क्या करेंगे अब जो फ्लेक्चर फॉर्मूला था उसमें मैं लिखूंगा सिग्मा बी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा परमिसिबल, ठीक। तो यानी कि अगर इसमें इतना परमिसिबल स्ट्रेस है तो ये जो गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है वो कितना लोड झेल सकती है। तो अगर मुझे क्रॉस सेक्शन पता है, यानी कि आई पता है, वाई पता है, मटेरियल का मुझे क्रॉस सेक्शन पता है, तो बता सकता हूं कि वो कितना अधिक से अधिक बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है, ठीक है। सो दैट इज दी मोमेंट केयरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम। सो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम क्या है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच द बीम कैन कैरी और बीम कैन विथस्टैंड। इसका मतलब ये दैट फॉर अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम अगर आप लोग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप लोग इसमें मोमेंट लगा देते हो, यानी कि लोड इतना लगा देते हो कि जो इंड्यूस्ड जो इसमें यानी कि जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है एम मैक्स जो है एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एम मैक्स जो है, अगर एम मैक्स जो है दैट इज द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट अगर ज्यादा हो जाता है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी MCC मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो जाता है तो बीम क्या हो जाएगा, बीम विल फेल। ओके, सो हमने क्या किया, हमने अब इस फ्लेक्चर फॉर्मूले में हम लोगों ने परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पुट करी और मैंने बताया कि अधिक से अधिक कितना बेंडिंग मोमेंट इस पर अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि मैंने क्या कैलकुलेट किया, जो परमिसिबल लोड है उसकी कैलकुलेशन कर ली, अलाउेबल लोड है उसकी कैलकुलेशन कर ली। अगर मुझे लोड भी पता है, अगर मुझे मान लीजिए मुझे अगर M पता है, M इज नोन, ओके, तो यहां से मैं जो क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, ठीक है, किस तरीके का क्रॉस सेक्शन मेरे लिए बेस्ट होगा वो मैं निकाल सकता हूं। अब यहां पर अब क्या हो गया, जब ये चीज आती है कि मुझे क्रॉस सेक्शन यानी कि डायमेंशन की कैलकुलेशन करनी है कि डायमेंशन कैसा रखा जाए, तो उस कंडीशन में आप देखिए यहां 2 चीजें हैं, y जो है दैट इज द लोकेशन ऑफ एनी फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एक्सिस, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, तो ऐसे केस में मुझे डिजाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक नया टर्म ला देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगा, दैट इज सेक्शन मॉडुलस
ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो, डिजाइनर्स को प्रॉब्लम होती है भाई दो टर्म्स के साथ डील करने के लिए, तो एक सिंगल टर्म अगर यहाँ पर रहेगा तो बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा रखा जाए उसको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस लाया गया, सेक्शन मॉडुलस होता है जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज आई डिवाइडेड बाई वाई। आई की यूनिट होती है, अगर आप मीटर में लिखो तो मीटर टू पावर फोर, वाई की हो जाएगी मीटर, तो मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, एंड दिस इज y, व्हाट इज y, अब y क्या होगा, कोई सही y नहीं होगा यहां पर, यहां ये y max होगा, y max मतलब जो एक्सट्रीम फाइबर्स हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम फाइबर है उसकी लोकेशन है, किसी भी रैंडम लोकेशन की बात नहीं, जो एक्सट्रीम y max विल बी व्हाट नाउ, द लोकेशन ऑफ एक्सट्रीम फाइबर्स, लोकेशन ऑफ एक्सट्रीम फाइबर्स, टॉप या फिर बॉटम। ओके, एक्सट्रीम फाइबर्स, क्लियर, इसकी वैल्यू होगी। सो यहां से लिख सकता हूं मैं अब के सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, ये मुझे नया फ्लेक्सर फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। नाउ अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अगर निकालनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बी परमिसिबल, दैट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टू द सेक्शन मॉडुलस, दिस विल गिव मी द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो मुझे क्रॉस सेक्शन पता है बेसिकली, यानी कि ये क्या है बेसिकली, आई बाई वाई है, आई बाई वाई मुझे पता है, इन टू सिग्मा बी परमिसिबल, क्या मुझे क्या मिल गया, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मिल गई, क्लियर। अगर मुझे सिग्मा बी मैक्सिमम यानी कि इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो, सिग्मा बी मैक्स दैट इज इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस अगर मुझे निकालना हो तो यहां से निकाल सकता हूं मैं, दिस विल बी एम एक्स दैट इज दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, ओके, डिवाइडेड बाई द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, डिफरेंट बीम के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। तो आई थिंक जो आप लोगों को यूज है फ्लेक्सर फॉर्मूले का वो समझ आ गया होगा, आप लोगों को बस दो चीजें करनी होती, या तो आप लोगों को लोड दिया होता है, ठीक है, फर्स्ट केस आपको लोड दिया होता है, आप लोग को इंड्यूस स्ट्रेसेस निकालने होते हैं, दूसरा आप लोगों को डिजाइन करना होता है बीम को, यानी कि आपको मटेरियल पता होता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ पता होता है, आपको या तो उसमें परमिसिबल लोड बताना होता है या तो उसका आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना होता है, यानी कि जेड कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली दो तरह के प्रॉब्लम आपके हो गए। नाउ मैंने आपको बताया मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले कि क्या मैं कितना भी लोड लगा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि किसी बीम की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी MCC है, तो कभी भी जो बीम है उसमें जो लोड है वो इतना आपको नहीं लगाना है कि उसमें इंड्यूस जो उसमें जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बीम में जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है एट एनी सेक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो MCC से ज़्यादा हो जाए। तो इफ MX इज ग्रेटर देन MCC, सो बीम विल फेल। ये चीज़ें पूरी डिस्कस हो गई हम लोगों की। नाउ अब आप लोग जनरली अगर अपने अराउंड देखोगे, अपने आसपास देखोगे कि बीम किस तरह से होती हैं, किस तरह की दिखती हैं, तो आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग नाउ अबाउट दी फ्लेक्सर रिजिडिटी। ओके, सो फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होता है, देखते हैं। फ्लेक्सर रिजिडिटी होता है आपका E into I, ओके, E into I दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस ही वो एक्सिस है जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, तो जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मटेरियल के यंग्स मॉडुलस का जो प्रोडक्ट है दैट इज द फ्लेक्सर रिजिडिटी। ओके, ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है आप लोगों का मीटर टू पावर फोर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी SI यूनिट आपके पास हो जा रही है। दिस इज योर SI यूनिट ऑफ द फ्लेक्सर रिजिडिटी। नाउ इसका मतलब क्या है, ये क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप समझिए कि व्हाट डज इट मीन बाय फ्लेक्सर रिजिडिटी। आपने आपके पास ऐसी स्केल होगी बहुत सारी, आपने यूज की होगी अभी तक के, ठीक है। अगर आप देखते हैं इसको इस तरह से देखिए, ठीक है, इसका ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा है, फ्लैट फेस जो है उसको मैं अपने हाथ के ऊपर रख दूं अगर, तो ये जो फेस दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इस तरह से कुछ दिख रहा है ये, लाइक दिस, ऐसा फ्लैट है, हाइट काफ़ी कम है और विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। ओके, हाइट काफ़ी कम है h एंड विड्थ, सो b इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h, ये वाला केस है मेरे पास। सेकंड देखिए आप, सेकंड मैंने क्या किया, इसी को मैं इस पोजीशन में रखूँ इस तरह से, ठीक है,
इस तरह से मैं इसको रखूँ। अब इस क्रॉस सेक्शन को आप ध्यान से देखिए, तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाऊँ तो ये बनेगा ऐसा। ओके, नाउ दिस इज विड्थ बी, दिस इज हाइट एच, एंड नाउ बी इज वेरी वेरी लेस देन एच। ओके, अब आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, हो सकता है उस बीच ये स्केल आपकी टूट भी सकती है। तो जैसे कि ये वाला जो है, ये वाला कंडीशन है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप बीम को ध्यान, इसको एक बीम की तरह समझिए, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये थिन वाला केस बना देता हूँ मैं, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, ओके, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज योर जेड, दिस इज योर जेड डायरेक्शन, ओके, दिस इज द लेंथ एल। अब मैं इसमें प्योर बेंडिंग कर रहा हूँ, सीधा मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ अपने हाथ से, तो इस तरह से मैं इसमें बेंडिंग क्रिएट किया, ठीक है। इसमें बेंडिंग अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, हॉगिंग आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कर रहा हूँ तो सैगिंग देखने को मिल रही है। तो नाउ ये जो बेंडिंग मोमेंट है, दैट इज अबाउट जेड एक्सिस, ये आपका शेप है, इस तरह से इसको मैं बेंड कर रहा हूँ अबाउट जेड एक्सिस। तो देख सकते हैं आप, जो भी मैं मोमेंट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ही मोमेंट लगा रहा हूँ, तो बहुत आसानी से मैं इस स्केल को बेंड कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको बेंड कर सकता हूँ। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब मैं इसको जेड एक्सिस के बाद इसको मैं जब बेंड कर रहा हूँ, सो दिस बिकम्स द न्यूट्रल एक्सिस, ये बन गया न्यूट्रल एक्सिस, और ये एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो आई एन ए है, आई एन ए है, दैट इज बी एच क्यूब बाई 12, एच बहुत स्मॉल है, तो आई एन ए जो है, लेटर से दिस इज अवर फर्स्ट केस, तो आई एन ए 1 जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन को चेंज करता हूँ, इस सिचुएशन में आता हूँ, सेकेंड केस में आता हूँ। सेकेंड केस में क्या देखने को मिल रहा है, अगेन सेम, ये जो आप इस स्केल को आप ऐसे देखेंगे, ये आपका स्केल है, आपको ऐसा चौड़ा वाला फेस दिख रहा है सामने की तरफ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ओके, दिस इज योर न्यूट्रल प्लेन, लेट अस, ओके। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब सेम वही काम में उतना ही मोमेंट अगर यहाँ लगाने के, इसको कुछ बैंड करने की कोशिश देखूँ, तो देखने को मिल रहा है कुछ भी बेंडिंग नहीं हो रही है, कुछ भी बेंडिंग नहीं मिल रही, मुझे इससे बेंड करने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपने आपके पास अगर स्केल हो इस तरह से, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको इस तरह के इस ओरिएंटेशन में बेंड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, तो ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए जब आपका स्केल ऐसे इस पोजिशन में था, ठीक है, यानी कि जो इसकी इसका जो फ्लैट सरफेस है वो अगर उसको वर्टिकल कर दूं मैं इस तरीके का, तो इस ओरिएंटेशन में जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो इसका, ओके, सो दैट इज आई एन ए इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12, एच बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू बी। तो सेकेंड केस में जो एन ए मिल रहा है, एन ए इन द सेकेंड केस एन ए 2, और फर्स्ट केस में जो मिल रहा था दैट इज एन ए 1, तो आप देख सकते हो एन ए 2 इज वेरी ग्रेटर देन एन ए 1, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा था वो सेकंड केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत ही कम है, ठीक है। अब अगर आप दोनों का प्रोडक्ट कर, अगर आप इसका प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, आई के साथ, तो आप देखोगे ई के साथ प्रोडक्ट कर दें अगर, तो ई इंटू आई एन ए 2 और ये ई इंटू आई एन ए 1, तो ये रिलेशनशिप फॉलो है, यानी कि जो फर्स्ट केस, जो आपका सेकंड केस है उसमें जो आपको फ्लेक्सर रिजिडिटी मिल रहा है, एफ आर लिख देता हूँ शॉर्ट में, फ्लेक्सर रिजिडिटी इन द सेकंड केस इज वेरी हायर एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सर रिजिडिटी इन द फर्स्ट केस। तो इसका क्या मतलब है, ई इंटू आई का जो प्रोडक्ट है वो ये बताता है हम लोगों को कि किस ओरिएंटेशन में बीम को, किस ओरिएंटेशन में बीम को बेंड करना डिफिकल्ट होगा। सो ई इंटू आई इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विच वी फील वाइल बेंडिंग, किसी भी बीम को बेंड करने में कितना आपको आसानी होगी, कितना आसान होगा, कितना डिफिकल्ट होगा उसको बेंड करना, ये हमको बताता है ई इंटू आई का प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट केस था, यानी कि जब आपका स्केल इस तरह से रखा था, इसमें आपको ई इंटू आई क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, यानी कि इस कंडीशन में फ्लेक्शर यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस के अगेंस्ट जो रिजिडिटी है, दैट इज फ्लेक्शर रिजिडिटी, फ्लेक्शर रिजिडिटी वॉज, इट इज नथिंग बट द रिजिडिटी अगेंस्ट द बेंडिंग, इट इज नथिंग बट द रिजिडिटी, रिजिडिटी अगेंस्ट बेंडिंग, ओके। रिजिडिटी का मतलब समझते हैं हम लोग, रिजिडिटी क्या होता है, रिजिड होना का मतलब डिफॉर्म ना होना, ठीक है। सो डिफॉर्म ना होने की टेंडेंसी अगेंस्ट बेंडिंग इज द फ्लेक्सर रिजिडिटी, इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हो आप, दैट इज, इट इज द टेंडेंसी ऑफ नॉट टू डिफॉर्म,
नॉट टू डिफॉर्म अंडर बेंडिंग. तो यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू जो आपका यंग्स मॉडुलस है, ये वैल्यू ई इंटू आई हमको कम मिल रही थी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इस केस में कम मिल रही है और इस केस में ज्यादा मिल रही है. दैट्स वाई इस केस में बेंड करना डिफिकल्ट है और इस केस में बेंड करना आपका आसान है. दैट्स वाई आप लोग जब अपने घर में या किसी भी जब आप मॉल में जाओगे आज के बाद, तो आप लोग देखना जो आपके आपको जो बीम्स दिखाई देती हैं, बीम्स को आप लोग देखोगे कि उसकी विड्थ कम होती है और उसकी हाइट ज़्यादा रखी जाती है. ठीक है, क्योंकि आप जो बीम देखते हो, जैसे आप लोग इस तरह से अपने सीलिंग को देखोगे, आपके छत में जो आप लोगों को बीम दिखाई देगी उसमें जो लोडिंग हो रही है दैट इज अबाउट देयर न्यूट्रल एक्सिस. ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस के आपके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो हाइट है न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है बीम का वो ज्यादा होना चाहिए और न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल जो डायमेंशन है वो कम होना चाहिए. तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. समझ गए, यानी कि बीम आपकी पतली होनी चाहिए लेकिन हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, फिर उससे क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का वो ज्यादा मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा तो फ्लेक्चर रिजिडिटी ज्यादा मिलेगी, बीम आपकी उतनी मजबूत होगी, उस कंडीशन में आपको बीम को बेंड करना मुश्किल होगा. तो आपने देखा चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल रखो, चाहे इस ओरिएंटेशन में रखो, यानी कि इस या इस ओरिएंटेशन में रखो, मटेरियल आपका उतना ही खर्च हुआ है, इसमें भी उतना मटेरियल खर्च हुआ है, इस ओरिएंटेशन में भी उतना ही मटेरियल खर्च हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में ज़्यादा बेंडिंग झेल सकता है और इस कंडीशन में बहुत कम बेंडिंग झेल सकता है. तो आप समझ सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है, यानी कि आप किस एक्सिस के अबाउट लोड करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बेंडिंग. तो बीम हमेशा उस एक्सिस के अबाउट वीक होती है, उस एक्सिस के अबाउट लोडिंग में वीक होती है जिस एक्सिस के अबाउट आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमम मिल रही हो. तो अगर आप लोग सेम बीम के लिए किसी कोई भी आप बीम ड्रॉ करते हो, ठीक है, ओके, इस तरह से कोई बीम ड्रॉ करते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. तो दो तरह से लोडिंग हो सकती है, एक हो सकता है आपका वाई एक्सिस के अबाउट एम वाई, एक हो सकता है आपका जेड एक्सिस के अबाउट एम जेड. इस तरह से आप लोग इसको लोड कर सकते हो. ठीक है, जब आप लोग वाई एक्सिस के अबाउट लोड लगाओगे तो बेंडिंग होगा आपका वाई एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ लेंगे आप लोग आई एन ए अबाउट, बेसिकली क्या होगा वो यहाँ पर आप लोग का वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. ठीक है, तो अगर आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सो दिस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू जेड, दिस इज पैरेलल टू वाई. ओके, तो जब वाई एक्सिस के अबाउट आप लोग बेंडिंग कर रहे होगे तो ये आपका एन ए बन जाएगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा और यहाँ पर आप लोग को देखने को क्या मिल रहा है, देखो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. और मैंने क्या बोला, बीम को अगर स्ट्रांग होना है, बीम को अगर स्ट्रांग होना है तो न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल वाला डायमेंशन कम होना चाहिए और न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन ज्यादा होना चाहिए. लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला डायमेंशन ज्यादा, ये वाला डायमेंशन कम है. ठीक है, तो अगर आप लिखोगे आई एन ए व्हेन लोडिंग वाज अबाउट वाई एक्सिस, सिमिलरली सेकेंड के जब आप जेड एक्सिस के अबाउट लोड करोगे तो ये वाला जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, दैट विल बिकम द न्यूट्रल एक्सिस. ओके, नाउ अगेन यू विल कैलकुलेट आई एन ए, ओके, एंड दैट विल बी अबाउट जेड एक्सिस बेसिक. लोडिंग का किसका अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट आपकी हो रही है. तो आप देख सकते हो जो न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन है वो कम है और परपेंडिकुलर ज्यादा है. तो साफ साफ कह सकते हो कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है. इसका मतलब ये है कि जब आप बीम को वाई डायरेक्शन में लोडिंग करोगे, जब आप बीम को वाई डायरेक्शन में लोड कर दोगे तो उस कंडीशन में बीम को बेंड करना आसान होगा और जब आप उसको जेड एक्सिस के बाद लोड करोगे तो बीम को हमको बेंड करना मुश्किल होगा. सो बीम को हम लोग उस ओरिएंटेशन में रखेंगे, बीम को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से सेट करेंगे स्ट्रक्चर में के जो लोड्स आए वो उसका मोमेंट हमेशा जेड एक्सिस के अबाउट है. तो जिस एक्सिस के अबाउट बीम स्ट्रांग होती है हमेशा उसको उस एक्सिस के अबाउट लोड किया जाता है. दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फ्लेक्चर रिजिडिटी, जिसके बेसिस पे हम लोग बीम का ओरिएंटेशन कैसा होगा, किस एक्सिस के अबाउट हम लोग उसको लोड करेंगे, ये डिफाइन करते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं. अगर किसी एक्सिस के अबाउट फ्लेक्चर रिजिडिटी कम है, फ्लेक्सर रिजिडिटी अगर किसी एक्सिस के अबाउट कम है तो उस एक्सिस के अबाउट हम लोग अवॉइड करते हैं लोड करना. ठीक है, क्योंकि अगर उस एक्सिस के अबाउट मैं लोड करूंगा तो वो ज्यादा बेंडिंग मोमेंट्स कैरी नहीं कर पाएगी. लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट फ्लेक्सर रिजिडिटी ज्यादा है, अगर मैं उसके अबाउट बेंड करूं, उसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट्स क्रिएट करूं उस बीम में, तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेंडिंग मोमेंट्स कैरी कर पाएगी, ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस कैरी कर पाएगी. सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम द डिजाइन पर्सपेक्टिव. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फ्लेक्सर रिजिडिटी. ओके, सो आई होप आप इस लेक्चर में हम लोगों ने जितने
कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं पूरे बेंडिंग स्ट्रेस के, बेंडिंग ऑफ बीम के जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, तो आपके जो भी व्यूज हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कीजिएगा वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें बहुत सारे कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है इन वेरी बेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए कि बेंडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। अपने जितने फ्रेंड्स हैं सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा कि कैसा चैनल है, किस तरह के कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।